हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं किचन काउंटर टॉप का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो पूरा किचन क्लीन किया था, लेकिन अभी सिर्फ काउंटर टॉप ही सेट हो पाया था, तो उसी का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी मैं। तो ये मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूं, क्योंकि डेली में तो बस ऐसे ही जो विम लिक्विड वाला जो मैंने सोल्यूशन बनाया उससे मैं साफ़ कर देती हूं। लेकिन आज मैंने सर्फ डाल के और खूब अच्छे से रगड़ के सारे टाइल्स, पत्थर, प्लेटफॉर्म वगैरह सब खूब अच्छे से डीप क्लीन किया था। तो वही थोड़ी सी क्लिप आपके साथ शेयर करी। उसके बाद जो बाहर जो डब्बे रहते हैं ना, उनको जल्दी जल्दी वॉश करना पड़ता है क्योंकि वो गंदे हो जाते हैं, तो वो सब मैंने धुले थे। और फिर उसके बाद शाम को मैंने आपके साथ वीडियो अपना शेयर किया है कि किस तरीके से मैंने काउंटर टॉप को अपने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे देखिए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना किचन काउंटर टॉप जो है वो ऑर्गेनाइज कर लिया है, और क्लीनिंग तो पूरी सुबह ही हो गई थी लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई थी, सारा ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर उसके बाद कुकिंग में लग गए थे, खाना बनाने में, क्योंकि लेट हो रहा था। फिर मैंने सोचा खाना वाना बना के उसके बाद अच्छे से डेकोरेट करके फिर आपके साथ शेयर करते। गर्मी बहुत भयंकर हो रही है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डेकोरेट भी किया है और थोड़ा सा चेंज किया है। थोड़ा सा ही चेंज कर दीजिए ना, तो आपको थोड़ा सा बस थोड़े दिन के लिए कुछ नया सा लगने लगता है। तो मैं यही करती हूँ, थोड़े थोड़े दिन में सामान इधर से उधर चेंज करती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा काउंटर टॉप है, उसको किस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज किया वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से मैंने किया है ऑर्गेनाइज। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुक टॉप से। तो ये कुक टॉप और इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है ये अब रफ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, ये सब कलर इसका निकल रहा है। तो अब इसको मैं सोच रही हूँ ना, सीधे दिवाली पे ही चेंज करूंगी। तो दिवाली पे जब किचन का वीडियो आपके साथ लेके आऊंगी तो नए स्टिकर के साथ रहेगा, और दूसरा मैं ऑर्डर करूंगी अब। तो ये कुक टॉप के बाद इधर थोड़ी सी जगह ये बसती है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा राउंड शेप में ये प्लेटफॉर्म है, तो थोड़ी सी इधर जगह बसती है। तो यहाँ पे मैं अदरक कूटने वाला और कभी कभी यहाँ पे घी का डब्बा भी रख देती हूँ, या कभी उस साइड रखती हूँ जो दूसरा कैबिनेट है। और गैस के कुक टॉप के जस्ट बगल में ये है, एक छोटी सी बास्केट मैंने रखी है, तो उसमें एक ये स्पून स्टैंड और एक स्टील का। तो स्टील वाले में सारे स्टील के ही चम्मच और जितने भी बड़े चम्मच होते हैं वो सब रखती हूँ। और ये प्लास्टिक वाले में ब्रश रहता है, लाइटर और ये चाकू वगैरह, और ये जो ये क्या बोलते हैं इसको, फेंटने के लिए दही वगैरह, ये सब इसमें रखती हूँ आइटम, बाकी सारे इसमें रहते हैं स्टील के। उसके बगल में ये एक छोटा सा डब्बा है ना, इसमें जो ऑयल वगैरह पराठे बनाते समय या कभी पूड़ी वगैरह बनाई उसमें बच गया तो उसको इसमें रख देते हैं, फिर यूज़ कर लेते हैं। तो ये बास्केट मुझे बहुत जल्दी जल्दी वॉश करनी पड़ती है। और उसके बाद आते हैं माइक्रोवेव पे। तो माइक्रोवेव पे मैंने इस बार ये चेंज किया है थोड़ा सा, कि जो जो हमारे पास ये इस टाइप के जो बाउल वगैरह होते हैं ना, उनको जब हम थोड़ा सा निकाल देते हैं, क्यों थोड़े से रफ हो जाते हैं ना, तो उनको फिर हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि उनको फेंकने से अच्छा है कि उसमें कुछ ना कुछ रख के मैं यूज़ कर लूँ, तो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा और वॉश भी हो जाएंगे जल्दी। तो इसमें मैंने मनी प्लांट की बॉटल रख दी, क्योंकि ऐसे हो सकता है कभी कुछ जल्दी में सामान उठाया तो लुढ़क गई, लेकिन इसके अंदर रहेगी तो नहीं गिरेगी। और इसमें देखिए मनी प्लांट कितना अच्छा ग्रो हो रहा है, ये अभी मैंने जल्दी लगाया है इसको। और यहाँ पे ये तो अभी यूज करती हूँ मैं, लेकिन मैंने ऐसे ही रख दिया क्योंकि इसमें थोड़ा सा अचार रखती हूँ, तो अचार का कभी तेल वगैरह बाहर निकले गिरे तो वो इसी में गिरे इस वजह से। और ये ग्रिल भी बाहर ही रखते हैं क्योंकि बाटी वगैरह बनानी होती है तो निकालना पड़ता है, तो इसको भी मैंने सजावट के लिए ही यूज कर लिया। इधर हमारा वो जो फ्लावर पॉट था वही रखा हुआ, अभी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया है। अब देखते हैं इस पे कुछ चेंज कर दूंगी, काफी दिनों से मैं यही वाला सजा रही हूँ। तो ये माइक्रोवेव भी मेरा बहुत गंदा हो गया था, इसको मैंने साफ किया। नीचे जो मैंने कवर बनाया था वो बिछाया है, और ऊपर से ये वाली जो रबड़ की शीट होती है ना, ये बिछा दी है। तो ये भी मेरी काफी दिनों से चल रही है, इसको मैं वॉश कर लेती हूँ फिर वैसे ही साफ हो जाती है, तो ये बिछा दिया है। और यहाँ पे पहले एक थी दो रैक की जो प्लास्टिक की अलमीरा होती वो थी, इस बार मैंने तीन रैक की रख दी है। और मसाले पहले उधर थे, अब मैंने इधर कर दिए हैं, थोड़ा सा चेंज किया है इस बार। वो आपको किचन जो पूरा किचन टूर दिखाऊंगी ना उसमें दिखाऊंगी। तो ये जो भी मसाले जो डेली हमें सब्जी बनाने में जरूरत लगती है ना, वो सारे मसाले हैं, जैसे इसमें जीरा है, मेथी है, इसमें अजवाइन है और हींग है। पीछे थोड़े से सब्जी मसाले भी रखे हैं जिनको मैं तहरी वगैरह जब कभी बनाती हूँ तो उसमें डालती हूँ। ये पूरा जो है वो काढ़ा का सामान है जो अभी भी कभी कभी बनता है, काढ़ा अक्सर मैं बनाना पड़ता है, तो वो सारा है। देखिए दालचीनी है, इसमें वो है काली मिर्च है, और लौंग नीचे रखी हुई है, इसमें सेंधा नमक है, और ये कॉफ़ी का डब्बा है, और ये थोड़ा सा भुना मसाला है, अभी करेला वगैरह बनाने में काम आता है। और ये देखिए हल्दी भी जो अलग से पिसवाई थी ना, वो हल्दी अभी तक मेरी चल रही है। आमचूर पाउडर है, और इधर इधर लौंग है,
तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें अरेंज कर दी ताकि एक साथ जब भी मुझे कुछ बनाना हो ना तो आराम से मिल जाए। बाकी चाय के डिब्बे वगैरह जो चाय पत्ती के जो डिब्बे हैं वो इस बार मैंने दूसरे वाले रैक पे रखूंगी मैं, और बाकी इधर का ये पूरा साफ खाली रहता है। तो यहाँ पे जब कभी बर्तन तो नीचे वॉश करती है मेड, लेकिन अगर कभी मैं कांच के धुलती हूँ तो बास्केट रखने के लिए है, फिर धुल के जब हटा दिया तो फिर यहाँ पे खाना वाना रखने के लिए ये इतना खाली रहता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना काउंटर टॉप जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। छोटा सा है, बस छोटी सी जगह में किस तरीके से थोड़ा थोड़ा सामान बस किसी तरीके से एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि जो कुकिंग करते समय हमें प्रॉब्लम ना हो, सारा सामान आगे ही मिल जाए ना तो फिर दिक्कत नहीं होती कुकिंग करने में। और ऑयल वगैरह जो है वो दूसरे रैक पे रखूंगी, तो वो मैं किचन टूर में दिखाऊंगी क्योंकि वो अभी मैं नहीं ऑर्गेनाइज कर पाई हूँ, आज मुझे इसी में बहुत लेट हो गया इस वजह से। तो फ्रेंड्स एक बार और आपको पास से दिखा देते हैं, और ये सब रैक वैक भी बहुत गंदी हो गई थी, इनको सबको रगड़ रगड़ के धुल के और सब धूप में मैंने सुखाया है। ऊपर के कैबिनेट भी सारे मेरे साफ हो गए हैं, बस सिर्फ नीचे के ही बचे हैं अभी। ऐसा लगा मेरा काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन? अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर जल्दी से मैं किचन टूर भी आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तो वीडियो को लाइक करिए ढेर सारा और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।